लेकिन क्या है कि मैंने उसके स्कूल के बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा विच आर योर फेवरेट बुक्स, बोला माई फादर्स चेकबुक एंड पासबुक। एक और बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है, बोला सर विस्की के गिलास में। एक बच्चा हिंदी मीडियम का था, मैंने उससे भी पूछ लिया, मैंने कहा बेटा गाली को हिंदी में कैसे परिभाषित करते हैं बताओ, बोला सर अत्यधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव प्राप्त होता है उसे हम गाली कहते हैं। एक आईटी प्रोफेशनल दंपत्ति का बच्चा भी मिला, मैंने कहा बेटा समाज में जो अश्लीलता फैलती जा रही है आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं, बोला जी फुल HD मोड में। तो बच्चों को मोबाइल देने बंद कर दो। मुझे तो याद है वो पीढ़ियों की बात कर रही थी, मुझे याद है वो एक दादा ने अपने पोते को डांट दिया कोरोना काल में, बोले क्या सारा दिन अपनी आंख फोड़ता रहता है, चश्मे चढ़ेंगे बड़े मोटे मोटे, दिमाग खराब हो गया फोन पे लगा रहता है। बोला दादू ऑनलाइन क्लास चलती है मोबाइल पे, वही पढ़ता हूँ वही देखता हूँ। बोले अच्छा हमें नहीं पता ऑनलाइन क्लास 3 घंटे चलती है, वो 8-8 घंटे लगा रहता है। बोला नहीं दादू ऐसा नहीं है, पर वैसे दादू एक चीज बताओ आपको कभी अपने दोस्तों की याद नहीं आती 5वीं 6वीं 7वीं जो पढ़ते थे। बोले आती है, बोले कभी बात होती है, बोले पता ही नहीं कौन कहाँ है, किसी का नंबर ही नहीं है, बोले अगर मैं ढूंढवा दूँ तो। तो दादा ने कहा अच्छा ऐसा संभव है, बच्चे ने कहा, बोले कैसे, बोले फेसबुक से। दादा को इंटरेस्ट आने लगा, बोले कैसे, अब वो पोते ने दादा का अकाउंट क्रिएट कर दिया, आईडी बना दी, बोले बताओ दोस्तों के नाम। तो दादा ने बताना शुरू किया, 5वीं में रामफल पढ़ता था लोधी कॉलोनी सरकारी स्कूल में। अब उसने खोजा पोते ने तो रामफल नाम के कई चेहरे आ गए, तो दादा से कहा बोले पहचानो, एक पगड़ी वाला मिल गया, बोले यही है यही पढ़ता था। इधर दादा की तरफ से पोते ने रिक्वेस्ट भेजी रामलाल को, उधर उसका भी पोता ही बैठा था, उसने भी तुरंत एक्सेप्ट करी, नंबर आदान प्रदान हुए। अब क्या वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक के दोस्त ढूंढ लिए, आदान प्रदान नंबर हो गए, एक आध से बात भी हो गई। अब दादा को इंटरेस्ट जागृत हुआ, बोले फेसबुक है तो काम की चीज छोरे, पर यू देख 10वीं में ही इमरती और केलो भी पढ़ती थी। तो कई बार ये दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन आइए बहुत सारी चीजें हैं। देखो क्या है, मैं अक्सर कहता हूं बलजीत, जो पुरुष होता है ना वो समुद्र होता है, जिसमें उसकी पत्नी एक शार्क की तरह पूरा कब्जा जमाना जाता है, और वो इतना भावुक होता है वो चाहता है इस समुद्र में और मछलियां भी रहें। सच बता रहा हूं, महिला होती है कूलर, आवाज बहुत करती है, हवा कम देती है, और रिमोट भी नहीं होता। पुरुष होता है क्या, स्प्लिट AC, बाहर कितना भी शोर करे घर आके बिल्कुल शांत और ठंडा पड़ा रहता, और रिमोट भी उसके हाथ में। अच्छा शादीशुदा जो पुरुष है उसकी आदत क्या होती है, मैं सच बता रहा हूं आपको, शादीशुदा पुरुष की ये आदत होती है कि अपनी पत्नी को FD फिक्स डिपॉजिट समझता है, और बाहर करंट अकाउंट चालू खाते खोलने के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन दोस्तों ये सब चलता है। देखो मैं कई बार कहता हूं, आपने देखा हो सुना हो, न्यूटन ने क्या आविष्कार किया था मालूम है आपको, ग्रेविटी का सिद्धांत। मैं आज के युग को देखता हूं और न्यूटन के युग को सोचता हूं तो मेरे दिमाग में अक्सर ये आता है यशदीप, कि अगर न्यूटन ने उस जमाने में गिरे हुए सेब की जगह गिरे हुए लोग देखे होते तो आज हम ग्रेविटी की जगह ह्यूमैनिटी पे बात कर रहे हैं। क्योंकि हम बहुत आगे निकल गए, हम आदमी नहीं हो पा रहे, बड़ी समस्या यही आ रही है, हम आदमी नहीं हो पा रहे। अच्छा डॉक्टर्स की बात, मीडिया की बात करी थी इसने, मैं बताऊं कोरोना काल में जितना डॉक्टरों ने परेशान नहीं किया, जितना पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने दुखी नहीं किया, कोरोना ने नहीं किया, मीडिया चैनल वालों ने दुखी किया। हर चैनल का दावा, अगर आपको स्वस्थ रहना हो तो आप भारत के न्यूज चैनल देखना बंद कर दो,
सच बता रहा हूं, किसी मॉर्निंग वॉक की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी, हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी, इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी, हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लवरेज मिलेगी, कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज मिलेगी। और मैं बताऊं साहब के एक आदमी व्यंग की ओर लेके चलता हूं, पहुंचिएगा, मुझे लगना चाहिए कि कॉर्पोरेट माइंड्स में अपनी बात कह रहा हूं, कि एक आदमी जो छींक आने से मर गया, एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया, कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, कुछ ने कहा बेरोजगारी की लहर से मरा है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया ये मीडिया के जहर से मरा है, ये मीडिया के जहर से मरा है, ये मीडिया के जहर से मरा। वो एक मरीज पहुंच गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब आपके प्रश्न, अच्छा क्या है, हम लोग जो कवि लोग, हम जैसे और कवि लोग कुछ चीजें जो क्रिएट करते हैं उसके बहुत सारे फॉर्म में आपके पास व्हाट्सएप पे संदेश आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों का काम है पोस्टमार्टम करना ओरिजिनल चीज का, तो हो सकता है इन चीजों का भी जो पढ़ रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं बहुत पहले आपके व्हाट्सएप पे किसी और रूप में आ गया हो, लेकिन मेरी एक कविता है कि मरीज पहुंच गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई, डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई कहीं नहीं मिल पाई, पूरा बाजार घूम आया, डॉक्टर मुस्काया ये दवाई है ही नहीं, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था ये चलता है कि नहीं मरीज बोला डॉक्टर साहब पता नहीं था आपका पेन भी यूं दगा देगा, पर एक केमिस्ट तो कह रहा था कल ये दवाई मंगा देगा दूसरे केमिस्ट ने कहा है इस दवा के पीछे मत ललचाओ, ये कंपनी कब की बंद हो गई, आयुर्वेदिक ले जाओ, तीसरे केमिस्ट की बात सुनकर आपकी भी बुद्धि हिल जाएगी, उसने कहा है इसकी तो डिमांड ही बहुत है, ये तो ब्लैक में मिल पाएगी, इसकी तो डिमांड ही बहुत है, ये ब्लैक में ही मिल पाएगी। और चौथे केमिस्ट ने जब से मुझे ये बात बताई है कि ये कैंसर की दवाई है, तब से मेरी सांस हवा हवाई है, दहशत में जी रहा हूं, डॉक्टर साहब खांसी की दवा भी कैंसर की समझकर पी रहा हूं, क्योंकि जरा सा जहर काफी है यहां पर खुदकुशी के वास्ते, मगर हर रोज पीना पड़ रहा है जिंदगी के वास्ते, मगर हर रोज पीना पड़ रहा है जिंदगी के वास्ते। दोस्तों शजर कहते हैं पेड़ को, बशर कहते हैं आदमी को। हमारी जिंदगी में कई बार स्थितियां आती हैं, हम लोग नकारात्मक भी हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, लेकिन हम नकारात्मकता के दौर से गुजरते हुए भी बस कवियों में ईश्वर ने वरदान दिया कि हम लाखों की भीड़ में सकारात्मक मोटिवेशनल बातें करते हैं और उन्हें जागृत कर देते हैं। कभी ऐसा हो तो अपना दृष्टिकोण बदलना, कभी आपको ऐसा लगे कि आप नितान्त तो अकेले हो, कोई काम नहीं बन रहा, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत ही मानसिक एकदम नकारात्मकता की ओर जा रहे हो, तो अपनी सोच में एक हल्का सा परिवर्तन कर लेना दोस्तों। कभी आपको लगे कि मैं काफी अकेला हूं, कभी आपको लगे नकारात्मकता के दौर में कि मैं काफी अकेला हूं, तो बस परिवर्तन करना है थोड़ा सा, और आपको यह सोचना है कि मैं अकेला ही काफी हूं। सकारात्मक रहो, हम तो इतने सकारात्मक हैं, आपने वो कविता सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने कभी कितना सकारात्मक होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कवि ने एक पंक्ति जोड़ी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो पैदल ही ठेके पे निकल जाते हैं जिन पे कार नहीं होती। ये सकारात्मकता होनी चाहिए। हरियाणा का जिक्र कर रहा था, मैं भी भाई फरीदाबाद में रहता हूं, सच बता रहा हूं आपको, और हम बताएं आपको, हम तरक्की जल्दी कर लेते लेकिन दिक्कत है, हरियाणा में इतनी दुकानें ठेके इतने मिलेंगे आपको कि और नई चीजें मिलेंगी, है ना। आप देखो हरियाणा के बॉर्डर पे एंट्री करो तो आपको दो मिलेंगे द्वार, एक इधर लठ लिए हुए आदमी, एक इधर, ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा हरियाणा आपका स्वागत करता है। 500 मीटर बढ़ो तो अगली दुकान, पहली जो दुकान होगी ठेका शराब देसी। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा कोई भी पापड़ नहीं जो जिंदगी में हमने सेका ना हो,
हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बस रास्ते में ठेकाना हो। लेकिन साहब आदमियत का शजर जिंदा रखो, पेड़ आदमियत का शजर जिंदा रखो, अपने भीतर का बशर जिंदा रखो, अपने भीतर का आदमी के आदमियत का शजर जिंदा रखो, अपने भीतर का बशर जिंदा रखो। खुदकुशी करने को गम उकसाएंगे, खुदकुशी करने को गम उकसाएंगे, जिंदा रहने का हुनर जिंदा रखो, जिंदा रहने का हुनर जिंदा रखो।